लुधियाना और अमृतसर वालों के लिए सुनील जी से मिलने का मौका। सुनील कुमार जी जल्द ही आपके शहर में आ रहे हैं। अगर आप पर्सनली सुनील जी से मिलकर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो इन नंबरों पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारा नंबर है 9779142142 7696286065। सुनील जी हर हफ्ते संडे को चंडीगढ़ में अवेलेबल होते हैं। अगर आप सुनील जी से चंडीगढ़ में मिलना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमारा नंबर है 9779142142 7696286065। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया ये सब मन से मिटा दो, फिर सभी तुम्हारे हैं और तुम सभी के हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस प्रोग्राम में, वन एंड ओनली द एस्ट्रो ओपीडी। दोस्तों के ऐसा प्रोग्राम जिसे हम लेकर यहां पर हाजिर होते हैं हमारे सभी उन दर्शकों के लिए, हमारे सभी उन व्यूअर्स के लिए जो दुख तकलीफों से घिरे हुए हैं। और वाकई में मेरे ख्याल से देखिए हर कोई जो है आज की डेट में, अगर हम बच्चों की बात करें ना, तो वो भी किसी न किसी दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं। उन्हें भी चिंता है कि मेरे मार्क्स ज़्यादा क्यों नहीं आ रहे। अच्छा, अगर ज़्यादा नहीं आए तो भी उनको चिंता है कि मम्मी पापा से डांट पड़ने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बड़ों को ही प्रॉब्लम्स होती हैं, बड़ों को ही दुख तकलीफें होती हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर हम बड़े हैं तो हो सकता है हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा बड़ी रहती हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेवारियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं, हमारे फर्ज इतने ज्यादा होते हैं, हमें हर एक को देखना पड़ता है। फिलहाल दोस्तों ऐसे ही प्रॉब्लम्स जो हमारे रूटीन की जिंदगी में हमें अक्सर फेस करनी पड़ती हैं, इन्हीं प्रॉब्लम्स को हम शेयर करते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार जी के साथ, जो हमें हल बताते हैं, उपाय बताते हैं, स्टोन्स वगैरह हमें यहाँ पर रिकमेंड किए जाते हैं जिनको पहनकर और उपायों को यूज कर हम अपनी जो लाइफ है उसको सरल बना सकते हैं, खुशनुमा हमारी जो जिंदगी है, लाइफ जो है उसे हम बना सकते हैं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार जी एक बार फिर से अपने कीमती समय में से समय निकाल कर हाजिर हुए हैं, उसके लिए सुनील जी आपका स्वागत है। सुनील जी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जिंदगी में अक्सर रहती ही रहती है। अगर डे बाय डे हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एक एक करके उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिस्कस करें, उनका जवाब हासिल कर सकें। और आज ही जिस तरह के, यानी कि आज का जो हमारा एक बार फिर से मेन टॉपिक यही रहेगा, बिजनेस को लेकर, पैसे को लेकर, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक ज़िंदगी का पार्ट है। अगर पैसा देखिए होना भी चाहिए, मेरे ख्याल से हर कोई चाहेगा कि पैसा मेरे पास हो, लेकिन पैसा जो है वो टिकता नहीं है। बार बार हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, 8-8, 10-10 घंटे, लेकिन उसके बावजूद वो जो मेहनत का जो फल है वो हमें नहीं मिल पाता। उसका कारण क्या है, कहाँ पर कमी रह जाती है, कौन से उपाय यहाँ पर हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत है? जी, प्रोफेशन को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं तो वो ये आधे घंटे में इसको हमें समेटना है, और आधे घंटे में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें आपको बतानी हैं जो बिजनेस को, आपके फेल्ड हुए बिजनेस को चलाने के लिए हेल्पफुल होंगी। क्योंकि प्रोफेशन कोई छोटी सी चीज़ है नहीं है, इसमें तो बहुत लंबे चौड़े डिस्कशंस होते हैं, बहुत लंबे चौड़े इसमें जो रेमेडीज़ बताई जाती हैं वो होती हैं कि चीज़ें स्ट्रीमलाइन कैसे हों, कैसे आपकी जो दुकान है वो चले, कैसे ग्राहक दुकान के अंदर आए। हमने देखा देखी में केवल हमारे भारत में कह लो या आप किसी भी आप टाउन में देख लीजिए, ज़्यादातर बिजनेस कैसे खुलते हैं, देखा देखी में फलाने बंदे ने वहाँ दुकान खोली है, उसकी दुकान में बहुत रश पड़ रहा है, वही बंदा सोच के उसी चीज़ की दुकान साथ खोल के बैठ जाता है और वो सारा साल खाली बैठ के निकाल देता है। पहली दुकान वैसी की वैसी चल रही है लेकिन उस बंदे के पास ग्राहक आने का नाम नहीं ले रहा, अगर आता है तो बस देख के चीज़ें वापस चला जाता है। तो प्रोफेशन जो आप कर रहे हैं, जो आप दुकानदारी कर रहे हैं, जो आप फैक्ट्री चला रहे हैं, जो आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, वो चलेगी कैसे? क्या आपकी कुंडली में वो योग हैं जो आप काम कर रहे हैं? मोस्टली मैंने देखा है लोगों की कुंडली में योग ही नहीं होता बिजनेस का, लेकिन वो बिजनेस में ट्राई कर रहे हैं अपनी किस्मत को और बार बार फेल हो रहे हैं, लाखों लगा देते हैं लेकिन एंड में जाके उनको नौकरी करनी पड़ती है और वहां से ही उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है आता है। मैं कुछ योग आपको बताता हूँ, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़े से योग समझ लीजिए। जब भी शनि तीसरे घर में होगा, आपको आने वाले टाइम पे बिजनेस करना पड़ेगा, बिजनेस ही आपको
जो है सपोर्ट करेगा आपकी इनकम के लिए। शनि जब छठे घर पे होगा, शनि जब छठे घर में बैठा होता है तो ऐसा इंसान नौकरी में ही अपनी जो जीविका है चला सकता है, यानी कि ऐसे बंदे के लिए नौकरी ही बनी हुई है। ये बंदा किसी ना किसी सैलरी लेगा, ये बंदा सैलरी देने के हालात में नहीं होता, ये बंदा सैलरी लेता है। ऐसे इंसान क्या होते हैं, कोशिश करते हैं, अपनी किस्मत को आजमाते हैं, बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, वो सारा देश घूमाते हैं कि मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है, वो अपनी चीज़ें ले लेके बेचने की कोशिश करते हैं, दुकानें खोलते हैं, शोरूम खोलते हैं, लेकिन फेलियर का ठप्पा लगवा देते हैं। फिर सोसाइटी में इनका मजाक उड़ता है कि इसको तो कोई काम नहीं है, ये आज काम शुरू करता है कल बंद कर देता है, लेकिन इसको कोई कामयाबी नहीं मिल रही है, ये तो फेल है अपनी लाइफ में। कुंडली में योग चेक कीजिए, योग चेक करवाइए कि आपकी कुंडली में क्या बिजनेस के योग हैं। जब बच्चा पढ़ के एजुकेशन कंप्लीट करके जब निकलता है बाहर, तो कुंडली चेक करवाना बहुत जरूरी होती है कि इसको नौकरी में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए या इसको बिजनेस में अपना जो है ध्यान देना चाहिए, उस पर अपना फोकस देना चाहिए। उससे क्या होता है, आपको एक टारगेट मिल जाता है कि आपको बिजनेस ही करना, बिजनेस में अपनी किस्मत आजमानी है। नौकरी वाले बंदे को अगर नौकरी कही गई है तो नौकरी में अपनी किस्मत को आजमाएगा। आपने कई बार देखा होगा कि लोग नौकरी करते हैं 30-30, 35-35 साल नौकरी करते हैं, लेकिन बाद में वो लोग बिजनेस खोल लेते हैं। क्यों? उनकी कुंडली में योग होता है कि ये पहले धन वहां से इकट्ठा करेगा और इसको उसके बाद बिजनेस में लगाएगा और लोगों को भी सैलरी देगा। ऐसे बड़े केसेस मेरे पास जिससे लोग बिजनेस नौकरी से शुरू किया था लोगों ने, लेकिन आज की डेट में बिजनेस कर रहे हैं और लोगों को सैलरी दे रहे हैं। एक रेमेडी आपको बताने जा रहा हूं, जो लोग बिजनेस करते हैं जिनको बार बार घाटा होता है और जिनको कर्जे के नीचे दबना पड़ता है, पहली बात अपनी लेबर को सरसों के तेल की बनी हुई सब्जी के साथ रोटी खिलाइए। ये हफ्ते में दो बार कीजिए, शनिवार और बुधवार को कीजिए। आपके जो ये इशू आ रहे हैं ना, आपकी शॉप नहीं चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहा है आपके, क्योंकि हर, मैं बार बार कहता हूँ, हर एक बिजनेस की जान क्लाइंट होता है, हर एक बिजनेस की जान उसका कस्टमर होता है। कस्टमर है तो इनकम है, अगर नहीं है तो दुकान पे ताला है, शटर डाउन है। इसलिए अगर आपको अपना बिजनेस स्ट्रीमलाइन करना है तो शनि ठीक कीजिए। शनि ठीक कैसे होगा, आप अपनी लेबर को थोड़ा सा अच्छे से हैंडल कीजिए, अगर उनकी हेल्प कर सकते हैं हेल्प कीजिए, अगर किसी उसे पैसे की जरूरत है थोड़ा बहुत आप उसको पैसा दीजिए, अदरवाइज आप उसको सरसों के तेल की बनी हुई सब्जी खिलाइए। शनिवार और बुधवार को आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा, ग्राहक आना शुरू हो जाएगा, ग्राहक टिकेगा भी और रिपीटेडली आपके पास बार बार आएगा। ये रेमेडी आप नोट कर सकते हैं, ये सभी के लिए है जिनके बिजनेस नहीं चल रहे हैं। बिजनेस स्ट्रांग होने के लिए बुध का बहुत बहुत बड़ा रोल है। जिन लोगों का बुध बहुत स्ट्रांग होता है, उन लोगों के बिजनेस बहुत स्मूथ चलते हैं, उनका पैसा नहीं फंसता। वो लोग एक खुद में एक बैंक होते हैं, वो लोन लेने वाले नहीं होते, वो खुद में एक बैंक होते हैं, वो लोगों को लोन देते हैं। तो बैंक बनने के लिए बुध को भी इम्प्रूव कीजिए। बुध कैसे इम्प्रूव होगा, घर से इम्प्रूव होगा। अपनी सिस्टर को गिफ्ट दीजिए, अपनी बुआ को गिफ्ट दीजिए, अपने जो खास करके जो विडोज लेडीज होती हैं, इनको आप हेल्प कीजिए किसी ना किसी तरीके से, बुध इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप जेमस्टोन डालिए, अगर आपने डालना है, फिर उसका रिजल्ट देखिए। वो बिजनेस आपका जो बिल्कुल नहीं चल रहा था, दुकान बंद होने के कगार पे थी, वो ही ट्रैक पकड़ लेती है, काम चलने शुरू हो जाते हैं, दुकानें खुल जाती हैं और कस्टमर आना शुरू हो जाता है। कस्टमर है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। बात करूंगा जो लोग जॉब कर रहे हैं और जिनको जॉब में तरक्की नहीं मिलती है, या उनको 10-10 साल हो गए हैं एक ही जगह पर टिके हुए, लेकिन वो डर के मारे जॉब चेंज नहीं कर रहे और कंपनी उनको छोड़ने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन सैलरी भी नहीं बढ़ा रही है। अब वो क्या करें, उनको भी तरक्की चाहिए। सक्सेस के लिए एक छोटी सी रेमेडी देने जा रहा हूँ। जॉब में जिनको सक्सेस चाहिए, जितने साल की आपकी नौकरी हो चुकी हुई है, उतने गोमती चक्र लेके शिवलिंग पे चढ़ा के आइए। मंडे के दिन आपका जो तरक्की रुकी हुई है आपकी, अगर ट्रांसफर कहीं ऐसी जगह हो रही है जहाँ नहीं चाहिए, तो वो भी रुक जाएगी और तरक्की आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, जिसको आप एक्चुअली में डिजर्व करते हैं।
तो सुनील कुमार जी, क्योंकि जैसा भी आप हमारा रूटीन का जो हमारा टॉपिक रहता है उसी के रिलेटेड ही हमारी कोशिश होती है कि उसी से रिलेटेड हम एक ईमेल जरूर यहाँ पर पढ़ें। और आज के हमारे जो लकी एक विनर हम कह सकते हैं, हमारे व्यूअर कह सकते हैं, जिनकी हमने ईमेल आज अपने इस एपिसोड में हम शामिल करने जा रहे हैं, और वो खुशकिस्मत है मिस्टर प्रदीप कुमार फजलका से। और इनका कहना है कि क्योंकि प्रोग्राम भी हमारा आज का जो मेन है बिजनेस को लेकर है, नौकरी को लेकर है, और इनका भी यही कहना है प्रदीप कुमार जी का कि मैं पिछले 3 साल से नौकरी के लिए ट्राई कर रहा हूँ, मिलती है लेकिन बहुत दूर की मिलती है, लेकिन यानी कि वो ये आसपास अपने एरिया में ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि काफ़ी दूर मिलती है तो कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम हो जाती है कि अपनी फैमिली से दूर रहना है और उनके जो काम है वो नहीं हो पाते हैं। तो मीन्स कोई क्या लगता है कि मेरी एक अच्छी जॉब जो है वो मेरे को कब तक मिल सकती है, क्योंकि जो दूर वाली जो जॉब मिलती है वो भी एज पर इनके लाइक कंपेयर तो मीन्स वो सूटेबल नहीं बैठती है, सैलरी इतनी नहीं है, खर्चे भी इतने ज्यादा हैं। इनका नाम आपने बताया मेरे प्रदीप को, प्रदीप जी। प्रदीप जी, आपकी जो कुंडली आपने भेजी है, मैंने चेक की है आपकी कुंडली, आपकी कुंडली में स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नाम की चीज ही नहीं है। आप कह रहे हैं आपको 3 साल होगी नौकरी, आप जो आप ट्राई कर रहे हैं बाहर मिल रही है, मैं कहता हूँ कि आपको अगले 3 साल शायद चैन से बैठने ना दे। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। आपको स्टेबिलिटी मिलेगी तो आप कुछ कर पाओगे। फिलहाल के घड़ी जब आप जो नौकरी ढूंढ रहे हैं आपको अपने घर के आसपास मिल जाए, उसके लिए मैं आपको एक रेमेडी देने जा रहा हूँ, इस रेमेडी को कीजिए, आपको नौकरी जरूर मिलेगी। एक नंबर आपको क्या करना है, बुधवार को गाय को चारा डाल के आना है अपने वेट के बराबर। बुधवार को शाम को जब सूर्य ढलता है उसके बाद आपको चारा जो है ये डालना है। उपाय नंबर दो नंबर नोट कीजिए। दूसरा उपाय आपको करना है, गुड़ की जो शक्कर होती है ये गाय को खिलानी है, चारे में ही मिक्स कर दीजिए, ये आप गाय को खिलाना शुरू कीजिए, आपको आप जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, जिस तरह की नौकरी ढूंढ रहे हैं, आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। ये आपको मैंने 2 उपाय बताए हैं, कंबाइन करके एक ही उपाय बना दिया मैंने इसका, आप इसको करके देखिए। ये सेकेंड नंबर उपाय मैं आपको एक और बताने जा रहा हूँ, आपको गोमती चक्र शिवालय छोड़ के आने हैं 11 शिवलिंग के आगे। और किस दिन छोड़ के आने हैं, मंडे सुबह 9:30 बजे से पहले मंदिर जाइए, वहाँ गोमती चक्र चढ़ा के आइए, कच्ची लस्सी जो होती है दूध की जो बनी होती है उसको चढ़ा के आइए। आपकी जो नौकरी में स्टेबिलिटी है आपको नहीं मिल रही है और बाहर की नौकरी मिल रही है, ये मिलनी शुरू हो जाएगी। एक नंबर उपाय मैं आपको और बताऊँगा, ये तीसरा उपाय है, तीनों उपाय कीजिए, मन मर्जी की नौकरी मिलेगी, मनपसंद जगह पे ही मिलेगी। सूर्य को जल दीजिए लाल मिर्च के जो बीज होते हैं डालकर, ये डालकर बीज आप सूर्य को जल दीजिए, आपको अपने हिसाब से आपके जो आप डिजर्व करते हैं वैसी नौकरी आपको मिल जाएगी। लेकिन सुनील जी, जिस तरह प्रदीप कुमार जी ने अपना बताया है कि दूर की जॉब इनको मिलती है, आसपास नहीं मिलती, क्या होता है कविता, कुंडली में कई बार कुछ प्लैनेट ऐसे होते हैं जिनका आपको जो आपको अपनी फैमिली से दूर कर देते हैं। लेट से आप बात कीजिए राहु की, राहु हो गया, शनि हो गया, केतु हो गया, केत चढ़ावे खेत, ये आपको अपने कुटुंब से, आपको अपने घर से दूर करेगा, आपको अपने अपनों से दूर करेगा। अच्छा, ये योग होते हैं, क्योंकि जो बड़े लोग हैं ना वो अक्सर कहते हैं, कोई अगर बाहर जॉब कर रहा है ना कभी घर में, जैसे हम आते हैं साल बाद, 2 साल बाद या 6 महीने बाद, तो वो कहते हैं कि इसके पैर में चक्कर है, ये टिकता ही नहीं है। जी, ये योग होते हैं, ये क्योंकि ये कुंडली में हर तरह का योग होता है, हर तरह की प्रॉब्लम का योग बना होता है आपकी कुंडली में। हो सकता है उस वक्त शनि का गोचर किसी ऐसी जगह से हो रहा हो, शनि जहाँ से चल रहे हो इस वक्त, क्योंकि प्लैनेट्स हर वक्त चल रहे होते हैं, हर मोमेंट चल रहे होते हैं, हो सकता है शनि की या बुध की पोजीशन उस टाइम पे ऐसे घर पे हो जो आपको घर पे अंदर आने की जो अनुमति नहीं दे रही। देखिए, प्लैनेट्स आपको घर से दूर ले जाने में बहुत रोल रखते हैं। कई बार क्या होता है, इंसान जब करियर के लिए होश संभालता है तो उसको नौकरियां ही बाहर की मिलती हैं, उसको बिजनेस जो आता है वो आता ही बाहर से, उसको बार बार बाहर जाना पड़ता है, बार बार अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ता है। जो लोग अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, जो लोग अपनी फैमिली से के पास आना चाहते हैं, नौकरी की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, ये उपाय मैं उनके लिए बताने जा रहा हूँ जिनको बहुत दिक्कत रहती है, जो अपने परिवार को, अपने बच्चों को बड़ा होता नहीं देख पा रहे हैं, ये उपाय उनके लिए ही है। अपने बुआ जी को, अपनी सिस्टर को एक गोल्ड का कुछ भी आइटम दे के देखिए। ये उपाय शायद आपको थोड़ा सा महंगा लगे, लेकिन इसमें जो पावर है इसको आप सोच भी नहीं सकते। सब ये ग्रह आपको सपोर्ट करेगा, आपको अपने घर वापस लेके आएगा।
जी, और एक ऐसे ही हमारे जो व्यूअर हैं जिन्होंने हमें व्हाट्सएप मैसेज किया है, ये है अनुज बंसल, और काफ़ी क्रिटिकल इनकी पोजीशन आजकल बनी हुई है। इनका कहना है कि सुनील जी, मैं एक नामी ग्रामी उद्योगपति रहा हूँ, लेकिन वक्त की ऐसी मार मेरे ऊपर पड़ी कि आज मेरी जो हालत है मैं वो खुद बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरे ऊपर केस चल रहे हैं, मेरी सारी प्रॉपर्टी जितनी भी है वो सारी, क्योंकि केस चल रहे हैं उसकी वजह से वो सारे सील हो चुकी हैं। तो मेरा जो टाइम है अच्छे वाला, क्या लगता है मीन्स आएगा भी या फिर नहीं? मैं बहुत परेशान हूँ, जिस वजह से मेरा जो माइंड है वो अभी स्टेबल बिल्कुल नहीं है। मैं कोई डिसीजन नहीं फिलहाल ले पाता हूँ। आपका शो मैंने देखा तो मेरे को हिम्मत आई और मैंने सोचा कि चलो एक बार आपका भी क्यों ना मैं ट्राई कर लूँ आपके राह में। जिस हिसाब से आपने हमें मैसेज किया है, मुझे लगता है कि आप बहुत जगह घूम चुके हैं, बहुत जगह कुंडलियाँ दिखवा चुके हैं, क्योंकि आपके लैंग्वेज से ये लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं। रही बात आपकी कुंडली की, आपकी कुंडली के अंदर दो बैड कॉम्बिनेशंस हैं जिसकी वजह से आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ी। शनि राहु का इकट्ठे होना आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक है। मंगल का आपका केतु के साथ बैठे होना बहुत घातक है। इसको हम कहीं ना कहीं नेगेटिव योग में जोड़ते हैं, नेगेटिव योग होते हैं, पितर दोष है, एक चंडाल योग जिसको कहते हैं वो है। प्रॉपर्टी अगर आप बनाएंगे तो प्रॉपर्टी का सुख आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के मालिक कहीं ना कहीं शनि और मंगल हैं। मंगल शनि जब दोनों ही डैमेज होते हैं, दोनों पीड़ित होते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जब जो आपको एंसेस्टर प्रॉपर्टी होती है, जो आपकी पुरखों की प्रॉपर्टी होती है, वो भी नसीब नहीं होती है। अगर वो मिल जाती है तो वो भी किसी ना किसी केस में निकल जाती है, या तो वो डिस्प्यूटेड हो जाती है। क्या होता है, कई बार आपने ज़मीन खरीद ली, आपका मंगल जो बहुत अच्छी पोजिशन में बैठा हुआ है, आपने ज़मीन खरीद ली और आपने उस पर कंस्ट्रक्शन करवा ली, शनि खराब है। जमीन के मालिक मंगल हैं लेकिन कंस्ट्रक्शन के मालिक शनि हैं, और जमीन आपको बेनिफिट दे रही है, लेकिन आप जैसे आपने उसका फाउंडेशन रखी, जैसे आपने उसका उसको जो फाउंडेशन रख के उसको कंस्ट्रक्शन शुरू की, प्रॉब्लम्स खड़ी होगी, कोई केस खड़ा हो गया, कोई लेटर आ गई कोई सरकारी डिपार्टमेंट से, कोई आप पे फाइन लग गया आपको। कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में दो योग बहुत गंदे योग बने हुए हैं, जिसको मैं गंदे इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये योग बहुत घातक हैं आपके लिए। ये आपके पास प्रॉपर्टी टिकने नहीं देंगे, अब जितना मर्जी जोर लगाइए आप केस हारेंगे ही हारेंगे। ऊपर से शनि की दृष्टि इन पे होना, इस घर पे होना आपके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक, आपको जो आपके पास था। ये योग ऐसे योग हैं जो इंसान को सब कुछ देके वापस खींच लेते हैं, ये ग्रहण ग्रस्त योग इसको बोलते हैं। ये सारा कुछ देके इंसान की एक लाइफ टाइम ऐसा आता है सब कुछ वापस ले लेते हैं। तो ये योग आपकी कुंडली में है, इसको अब आपको आप जैसे आप खो चुके हैं सब कुछ, आपने शायद कुंडलियाँ दिखाई भी होंगी, मुझे नहीं पता किसके पास जाते रहे हैं या क्या आपको उपाय दिए गए हैं, कि फिलहाल मन की शांति के लिए और जो आप केस आपके चल रहे हैं उनके लिए मैं एक उपाय आपको देने जा रहा हूँ। शनिवार को शुरू कीजिए ये उपाय। चावल लेने हैं आपने, उबालने हैं, उबाल के कौओं को डालने शुरू कीजिए, शनिवार को स्टार्ट कर दीजिए, कोई लिमिट नहीं है, इसको लगातार करते जाइए। केस जो आप हार रहे हैं या केस आपके अगेंस्ट हो रहे हैं, ये केस आपके फेवर में आने शुरू हो जाएंगे। और जिस दिन आपको घर से जाना है, अपने घर से राइट जो आपका पैर होगा वो घर से बाहर निकालना है, केस आपके जो हक में कन्वर्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल। सो अनुज जी, जिस प्रकार से आपकी प्रॉब्लम्स है वो वाकई में काफी ज्यादा हमें भी, देखिए मैं एक बार बार कविता बोलता हूँ कि लोग कई लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करते हैं। मैं मानता हूँ चलो आप नहीं करते हैं तो कोई इशू नहीं है, दुख तो आना ही आना है। Exactly. तो वो तो आगे रहेगा रहेगा, आप चाहे माने चाहे ना माने, ग्रह ने जो प्रॉब्लम लेके आनी है आपके ऊपर लेके आनी ही आनी है। जिनका केतु खराब होता है वो लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करते। मैं आपको ये योग बता रहा हूँ, ये कैसा योग है, जब केतु खराब होता है तो इंसान का भगवान से विश्वास उठ जाता है। ऐसे लोगों का ज्योतिष पे विश्वास नहीं होता, ऐसे लोग कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, अल्टीमेटली उनका केतु खराब होता है, लेकिन वो नुक्स निकाल रहे होते हैं कि ये ज्योतिष ठीक नहीं है और मुझे भगवान को नहीं मानना। लेकिन सपोर्ट एंड में इसी चीजों की मिलती है, इन चीजों को ठीक करना पड़ता है, फिर जाके चीजें ठीक होती है। रंग से राजा बनने में और राजा से रंग बनने में पल भर का भी समय नहीं लगता है। कभी ये समय हमारे ऊपर ऐसी मार हमें देते कि बैठे बिठाए क्या हो जाए, खुद भी हमारी समझ से बाहर हो जाता है। तभी इतनी ज़्यादा परेशानियां हमें घेर लेती कि यार ये अचानक से ये ऐसे कैसे हो गया। कई बार हम सुनते हैं कि पड़ोसियों के जी इस तरह से हो गया, पड़ोसी जो है जिस तरह इन्होंने खुद ही बयान यहाँ पर कर रहे हैं कि उद्योगपति यहाँ पर होना, ये किसी ना किसी जैसी इनकी कुंडली है, दशा चल रही थी इनकी,
उस टाइम पे ये राजा रहे होंगे, बिल्कुल लोगों ने इनसे लोन लिए होंगे, exactly. लोगों ने इनसे पैसा लिया होगा, जरूर लिया होगा, क्योंकि कुंडली में योग बहुत अच्छे हैं. लेकिन एक पीरियड ऐसा आया, एक फेज ऐसा आया जब दशा चेंज होती है, उस टाइम इनका जो प्रॉपर्टी थी सारी की सारी वो पानी की तरह बह गई. इतना इनका फिक्स्ड एसेट थे जिनकी इतनी, जो इन्होंने पैसा इकट्ठा किया हुआ था, जो इनका सेकेंड हाउस बहुत स्ट्रांग था, वो पैसा लिक्विड मनी सारी इनकी निकल गई. और आज की डेट में ये सोच रहे हैं कि मैं शायद कुछ अच्छे इंसान से मिला होता तो शायद मेरा कुछ बन जाता. फिर भी आपको मैंने काफी हद तक जो रेमेडीज आपको बताई हैं ये आपको थोड़ा सा रिलीफ दे देंगी, आपको शांति मिलेगी. वैसे बेटर यही रहता है कि पर्सनली आकर जब तक मिले ना, तब तक पर्सनली मिलने में और टेलीफोनिक मिलने में फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि आप मेरे सामने बैठे होते हैं तो मैं आपकी बॉडी की एनर्जी चेक कर लेता हूँ. बॉडी की एनर्जी चेक करके मैं आपको दो उपाय ज्यादा लिखाता हूँ, और इससे ये क्या होता है कि आपको रिजल्ट बड़े जल्दी आते हैं. टेलीफोनिक में जब आप बात करते हैं तो मुझे आपका फेस पता नहीं होता कि आप कौन हो, कैसी आपकी ऑरा है, क्या आपकी बॉडी की एनर्जी है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रहता है. लेकिन ये है कि जो इंसान नहीं पहुंच सकता वो टेलीफोनिक भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि उपाय जो हर इंसान के लिए बने हुए हैं, हर कुंडली के लिए उपाय बने हुए हैं. हर इंसान को हक है अच्छी जिंदगी जीने का, हर इंसान को हक है कि मेरे पास पैसा हो. ये आपका अधिकार है, ये कोई आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये आपका अधिकार है. अच्छी जिंदगी जीना आपका अधिकार है. कुंडली में योग होते हैं, कुछ नेगेटिव योग होते हैं जो आपको उठने ही नहीं देते, जो आपको हमेशा मेहनत की तरफ दौड़ाई रखेंगे लेकिन फल नहीं आने देंगे. लेकिन कुछ उपाय होते हैं, बड़े सिंपल सिंपल से उपाय होते हैं, अगर वो हम कर लें तो चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं. आप जो जिस सक्सेस को आप ढूंढ रहे हो वो सक्सेस आपको जल्दी मिल जाती है. और अच्छा, कई बार हम देखते हैं हम पार्टनरशिप में बिजनेस कर लेते हैं तो भी कहीं ना कहीं हमें घाटा ही पड़ता है. अब पार्टनरशिप की आप बात कर रहे हैं तो पार्टनरशिप का मैं योग बता देता हूँ. पार्टनरशिप किनको नहीं करने चाहिए, जिनके सेवंथ हाउस में राहु बैठे हों, सातवां घर, कुंडली का सातवां घर, आपके लगन से बिल्कुल सामना वाला जो घर होता है सातवां घर उसको बोलते हैं, उसके लॉर्ड किसी ऐसे प्लैनेट के साथ ना बैठे हों जो तामसिक प्लैनेट होते हैं, जैसे राहु हो गया, शनि हो गया, इनके साथ ना बैठे हों. सातवें घर में ऐसे प्लेनेट को का बैठना और ऐसे प्लेनेट की दृष्टि होना, ऐसे ग्रह की दृष्टि होना भी आपको पार्टनरशिप नहीं सक्सेसफुल करेंगे. ये आपको आपको सपना दिखा दे, राहु तो खास करके सपना दिखाने में बहुत माहिर है. आपको इतना सपना दिखाएगा कि हम दोनों मिलके या तीनों मिलके ऐसा एक बिजनेस शुरू करते हैं, इसके बाद हमारा हम इतना इतना पैसा लगाएंगे और इसके बाद इतना प्रॉफिट दे रहा, इतना कागजों में प्रॉफिट भी बट जाता है, पैसा लग जाता है. और जिसके प्लैनेट अच्छे होते हैं वो पैसा लेके साइड पे हो जाता है, और जिसके प्लैनेट वीक होते हैं, जिसको पार्टनरशिप मना की होती है, उस बंदे का सारा पैसा बीच में निकल जाता है. 10 लाख लगाया, 10 का 10 मिट्टी हो जाता है. और ऐसे लोग कई बार अपने बिजनेस के लिए कर्जा भी लेते हैं, तो ऐसा कर्जा सिर्फ कर्जा ही आता है लेकिन कर्जे की वापसी का रास्ता कोई नहीं होता, कर्जे की वापसी का रास्ता बंद हो जाता है. पैसा लेना बहुत आसान है, उतारना सबसे मुश्किल है. और जिनको ये समस्या रहती है, मैं एक उपाय भी आपको बताने जा रहा हूँ, जिनको कर्जे की समस्या रहती है, जो लोग पैसा फंसा बैठे हुए हैं, जिनका पैसा फंसा हुआ है, या जो लोग कर्जा ले रहे हैं, उनको एक उपाय बताने जा रहा हूँ. ये हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कर सकते हैं. मंगलवार को बदाने का प्रसाद लेके, 1 किलो 1.25 किलो बदाने का प्रसाद लेके हनुमान जी को चढ़ाइए, और हनुमान जी से आशीर्वाद लेके वो प्रसाद बाहर बांट दीजिए, इसको आपको नहीं खाना. अब इसके पीछे लॉजिक सुनिए, ये लॉजिक क्या है, कैसे कर्जा कम होगा. कर्जे के जो मालिक हैं वो है मंगल. जब मंगल खराब होते हैं आप लोग कर्जा लेते हैं, जब मंगल वीक होगा आपको कर्जा लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कोई नीड फंसी होगी ऐसी जो आपको पूरी करनी होगी, आपको कोई काम अटका होगा जिससे आपको हेल्प लेनी पड़ेगी. बैंक में पहुंचते हैं, कर्जा लेते हैं, साइन कर देते हैं बिना पढ़े, और बाद में कॉम्प्लिकेशन में फंस जाते हैं, कर्जा नहीं उतरता, बाद में बैंक वाले आके आपको तंग करते हैं, बाद में वो लोग आके आपको तंग करते हैं जिनसे आप कर्जा लिया होता है. मंगल ठीक कीजिए, कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा. अपनी जो आपकी इंस्टॉलमेंट होती है कोशिश कीजिए मंगलवार वाले दिन उसकी पहली इंस्टॉलमेंट दीजिए, कर्जा आराम से उतर जाएगा, पैसे के सोर्सेज खुद बनने शुरू हो जाएंगे. मेरी रेमेडीज ऐसी ही होती हैं, मेरे उपाय ऐसे ही होते हैं, सिंपल होते हैं, जो हर इंसान कर सके, गरीब से गरीब इंसान भी कर सके, जिसको उसकी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके. जी बिल्कुल दोस्तों, और इन्हीं रेमेडीज को जानने के लिए, यानी कि आपके लिए कौन सी रेमेडी यहाँ पर आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है, उसको जानने के लिए, यानी कि जरूरत है यहाँ पर आपको अपनी कुंडली दिखाने की, अपना होरोस्कोप चेक करवाने की, अपना डी चार्ट जिसको हम डिविजनल चार्ट बोलते हैं उसको यहाँ पर चेक करवाने की, यानी कि ये जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबरों के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, अपने लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं एंड मुलाकात कर सकते हैं आप हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार जी के साथ. इसके लिए यानी कि आपको ऑफिस
भी ज़रूर इनके विज़िट करना पड़ेगा और अपनी जो प्रॉब्लम है आपकी वो आप इनके साथ शेयर कीजिए और आपको बहुत ही सरल से उपाय ही बताए जाएंगे अकॉर्डिंग टू आपकी जो भी आपका होरोस्कोप होगा, आपके ग्रहों को देखकर उनकी जो चाल है, उनकी जो स्थिति है, कौन से योग बन रहे हैं आपके, ये सभी चीज़ें आपको निश्चित तौर पर यानी कि हर चीज़ क्लैरिटी के साथ यहाँ पर समझाई जाती है, बताई जाती है। तो यानी कि यहाँ पर विश्वास होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वाक्य में आपको विश्वास है इन चीज़ों में, और मेरे ख्याल से विश्वास करना बनता भी है क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए ही बनी हुई हैं। जी देखिए, ये जो ज्योतिष है ये आज का सब्जेक्ट तो है नहीं, ये तो करोड़ों सालों से राजे महाराजे यूज करते आ रहे हैं। बल्कि उनका भी एक पर्टिकुलर इनका एक एस्ट्रोलॉजर होता था जो उनको उनके आने वाले टाइम का भविष्यवाणी करते थे और उनको उनके जो अगेंस्ट दुश्मन होते थे उनके बारे में भी चेतावनी देते थे। तो ये तो बड़ी पुरानी साइंस है, ये आज की साइंस तो है नहीं है, ये आज की डेट में थोड़ी सी मॉडर्न हो गई है क्योंकि फैसिलिटीज आ चुकी हैं, रेमेडीज बड़ी सिंपल हो चुकी हुई हैं, उपाय बड़े सिंपल हैं, उपाय घर पे ही हैं, आपके रिलेशंस के अंदर उपाय छुपे हुए हैं। आजकल मेरे ख्याल से लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आजकल मेरे पास तो मैक्सिमम लोग जो आते हैं वो ज्योतिष जानते होते हैं, उसके बावजूद भी आते हैं क्योंकि वो योग नहीं निकाल पाते जो योग एस्ट्रो ओपीडी में मैं निकाल देता हूँ कि ऐसे योग आपकी कुंडली में है जिसकी वजह से आपका काम नहीं चल रहा, इसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है और इसकी वजह से आपको जो है आगे भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपनी कुंडली चेक करवाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करनी पड़े, आपको ज़्यादा स्ट्रगल ना करनी पड़े। कम स्ट्रगल करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट अच्छा आए, सिर्फ कुंडली दिखाने का मकसद ये होता है। जी, अच्छा बिजनेस हम करते हैं, अगर मैं घर की बात करूँ तो घर में भी हम लोग इन चीज़ों को अक्सर देखते हैं, और अगर मैं बिजनेस की बात करूँ, शॉप की बात करूँ तो भी हम वहाँ पर अक्सर ये चीज़ें देखते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं किन चीज़ों की बात कर रही हूँ, तो सुनील जी मेरे यहाँ पर कहने का मतलब है यानी कि मैं फेंग शुई आइटम्स की बात कर रही हूँ, ये चीज़ें क्या वाकई में ये चीज़ें एनर्जी छोड़ती हैं, इसका रहता है क्योंकि ये चाइनीज एस्ट्रोलॉजी है, ये हमारी भारतीय एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये चाइनीज एस्ट्रोलॉजी है जो आजकल लोग बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। रिजल्ट इसके कितने हैं ये मैं आपको बता दूं कि 60-70% इसके रिजल्ट्स रहते हैं, लेकिन जो हमारी जो भारतीय संस्कृति में जो भारतीय ज्योतिष है इसके ऊपर कोई ज्योतिष नहीं है, कोई वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी नहीं है, कोई चाइनीज फंक्शन नहीं है, कोई चाइनीज एस्ट्रोलॉजी नहीं है। भारतीय ज्योतिष में जो पावरफुल इफेक्ट्स हैं वो किसी में भी नहीं है। यही कारण है कि आज भारतीय ज्योतिष का डंका दूर दूर तक हर एक दुनिया के हर कोने में बज रहा है। बहुत क्लाइंट है जो मेरी हर एक कोने से है, दुनिया के हर एक कोने से कोई ना कोई क्लाइंट मेरे साथ जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई बंदा मेरे साथ जुड़ा हुआ है। यही कारण है भारतीय ज्योतिष जो है सबसे स्ट्रांग है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी उसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। लाल किताब है ये उसी की फॉर्म है। अगर मैं कोई और किताब की बात करूँ, लाल किताब की, काली किताब की, जितने भी हैं सब वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ही जो है जड़ें हैं, इसी से सारी एस्ट्रोलॉजी शुरू होती है। मैं लाल किताब की रेमेडीज भी कुछ करता हूँ लेकिन मेन जो एस्ट्रोलॉजी है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ऊपर कोई भी एस्ट्रोलॉजी नहीं है। जी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आज के लिए इस शो का हिस्सा बने, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, नंबर जाने से पहले यानी कि आप जरूर नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये वही नंबर है जो आपकी किस्मत को बदलने में बिल्कुल भी पल भर की देरी नहीं लगाएंगे। यानी कि देखिए, किस्मत को बदलना ना बदलना ये भी कहीं ना कहीं हमारे हाथ में खुद ब खुद होता है क्योंकि जो हमें परमात्मा ने जो लिख दिया है, जैसा बना दिया है, जो हमें भेज दिया है, जो हमें मिलना है, वो तो सब कुछ होकर ही रहेगा, लेकिन उस चीज़ के लिए, उसको करने के लिए, उसको पाने के लिए खुद को मेहनत यहाँ पर करने की ज़रूरत है। विश्वास होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वाकई में आपको लगता है कि हाँ जी ये सभी चीज़ें क्योंकि हमारे साथ ही रिलेटेड होती हैं, तो अपनी जो शक्ति है उसको बढ़ाइए, अपनी जो प्रॉब्लम है आप उसको हमारे साथ जरूर डिस्कस कीजिए, शेयर कीजिए। वैसे भी हम एक लकी हमारे जो ईमेल व्यूअर रहते हैं उनकी ईमेल हम यहाँ पर ज़रूर पढ़ते हैं और इसके साथ व्हाट्सएप मैसेजेस जो है वो भी हम यहाँ पर शेयर करते हैं। फिलहाल आप भी उनमें से एक लकी हमारे व्यूअर ज़रूर हो सकते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में यानी कि हम कोशिश यही करेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल्स हम पढ़ें क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनकी प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस की जाए, लेकिन फिलहाल दोस्तों टाइम की शॉर्टेज के चलते हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये जो नंबर डिस्प्ले हो रहे होते हैं, फ्लैश हो रहे होते हैं, नंबरों के ऊपर कॉल किया कीजिए और अपने लिए अपॉइंटमेंट फिक्स जरूर किया कीजिए। फिलहाल अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी आप लोगों से, टिल देन टेक केयर, नमस्कार। लुधियाना और अमृतसर वालों के लिए सुनील जी से मिलने का मौका,
सुनील कुमार जी जल्द ही आपके शहर में आ रहे हैं। अगर आप पर्सनली सुनील जी से मिलकर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो इन नंबरों पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारा नंबर है 9779142142 7696286065। सुनील जी हर हफ्ते संडे को चंडीगढ़ में अवेलेबल होते हैं। अगर आप सुनील जी से चंडीगढ़ में मिलना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमारा नंबर है 9779142142 7696286065।